दौर में डबल मर्डर की खबर है। जमीनी विवाद में दो भाइयों की हत्या हुई है। सामने रहने वाले परिवार के लोगों पर आरोप है, खाली पड़े प्लॉट पर शेड लगाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों मृतक मजदूरी का काम करते थे। ग्रीन पार्क कॉलोनी के गणगौर घाट की घटना है। चंदनगर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बड़ा मामला सामने आया है, जमीनी विवाद में दो भाइयों की हत्या कर दी गई है। सामने रहने वाले परिवार पर हत्या का आरोप है। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शालिनी, क्या है ये पूरा मामला? तृप्ति, देखिए ये जो घटना है ये करीब 3-4 बजे की रात की बताई जा रही है, जहां पर डबल मर्डर की बात सामने आई है। ये जो पूरा मामला है ये चंदननगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ग्रीन पार्क है जगह का नाम, और उसके आसपास जो है वहां पर झोपड़पट्टियां नजर आती है। यहीं की जो जमीन है, जहां पे काफी सरकारी जमीन है, उस पर अवैध रूप से जो है कब्जा किया हुआ था। टीन शेड पर कुछ लोग, कुछ मजदूरों का परिवार जो है वो रहता था। सामने की तरफ भी ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि टेंट ठोक पर बिना किसी अनुमति के उसको निर्मित किया गया था। यही जमीन विवाद था, और इसके चलते ही देखा गया है कि दो भाई जो है उनका डबल मर्डर कर दिया गया। हालांकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची और लगातार पूरी छानबीन की जा रही है, सामने रहने वाले जो लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, डबल मर्डर किया है, वो दोनों लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि सामने की तरफ कोई भी इस समय मौजूद नहीं है, सामने वाला जो घर है वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये आमने सामने की जो लड़ाई है वो लगातार बनी हुई थी, और उसके चलते ही डबल मर्डर किया गया है। तस्वीरें भी आपने देखी होगी तृप्ति की, किस तरह से एक छोटी सी झुग्गी है और उसके अंदर मजदूर रहते हैं, और वहीं पर ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया। बड़ी बेरहमी से ये जो मर्डर है वो किया गया है। पुलिस अब पूरे जांच में जुट गई है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है जिसने साफ तौर पर जिनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं लोगों ने ये मिलकर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो उसके लिए अभी पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि दोनों जो आरोपी है वो फरार बताए जा रहे हैं, और इसके पीछे क्या कुछ तथ्य है उसको पुलिस खंगालने में जुटी है। लेकिन किस तरह से ये घटना हुई है इसको लेकर पूरे छानबीन का केंद्र बना हुआ है। जमीन विवाद को लेकर हम लगातार देखते हैं कि कई बार इस तरह की जो घटना है वो सामने आती है, लेकिन इंदौर शहर में अब ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलते जा रहा है, क्योंकि अमूमन हर 3 से 4 दिन के बीच कुछ ऐसी ही घटना जो है वो सामने आती है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है? शुक्रिया आपका शालिनी जानकारी के लिए।